नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के मामले में पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए आकांक्षा का शव जो है वो भेज दिया गया है, जल्द ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। लेकिन उससे पहले क्या कहना है पुलिस का, सुनिए इस वीडियो में। ये होटल सोमेंद्र है, थाना सारनाथ अंतर्गत। यहाँ पे हमें सूचना मिली कि एक महिला ने यहाँ पे रूम नंबर 105 में फांसी लगा ली है। फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना मिली, इस पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया और सभी लोग यहाँ पहुँचे तो सभी साक्ष्य संकलित किए गए। यहाँ से प्रथम दृष्टया मामला जो है आत्महत्या का ही प्रतीत होता है। इसमें आकांक्षा दुबे यहाँ पर रुकी हुई थी, जो भोजपुरी फिल्मों में काम करती हैं और मूल रूप से चौरी भदोही की रहने वाली हैं और काफ़ी समय से महाराष्ट्र में इनका परिवार रहता है। तो सभी परिजनों को सूचना दी गई है, वो आ रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला है? कोई सुसाइड नोट बरामद अभी नहीं हुआ है इसमें। यहाँ पर कितने दिन से रुकी थी ये? 22 तारीख की रात में यहाँ पर आई थी और इनकी कोई यहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी। किसी भी प्रकार का सर कोई विवाद सामने आया, जैसे यूनिट की पूछताछ? अभी प्रथम दृष्टया अभी कुछ जानकारी नहीं मिली, सबसे पूछताछ की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुट गई है और आकांक्षा के कमरे से, उस कमरे में जिसमें वो ठहरी हुई थी वाराणसी के होटल में, कमरा नंबर 105 में, उस जगह से कई शराब की बोतलें बरामद की गई हैं और साथ ही इस पूरे मामले में सिगरेट और फ़ोन को भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने फ़ोन को जब्त कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को अंदाज़ा है कि फ़ोन के व्हाट्सएप मैसेज से और कुछ डिटेल्स जो डाटा से निकालने वाले हैं उससे कई सुराग जो है वो हाथ लगेंगे। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइफ।